स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आईपीआर। आईपीआर का मतलब होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आईपीआर को हम डिफाइन करेंगे। आईपीआर को सबसे पहले हम पांच पॉइंट्स में बांटेंगे। पहला पॉइंट आता है डेफिनेशन, दूसरा आएगा पर्पज, तीसरा टाइप, चौथा बेरियर्स और पाँचवा फेज। आईपीआर को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। आईपीआर इज अ रेसिप्रोकल सोशल एंड इमोशनल इंटरेक्शन बिटवीन टू एंड मोर पीपल इन द एनवायरनमेंट। या फिर हम ऐसे बोलें कि आईपीआर है वो दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, तो उनके बीच में एक बॉन्ड का जनरेशन होता है, उसे हम आईपीआर कहेंगे। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है आईपीआर के पर्पज। आईपीआर के पर्पज हम ऐसे बताएंगे कि हमें आईपीआर की ज़रूरत क्यों पड़ी। आईपीआर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि ये एक तो बॉन्ड को मजबूत बनाता है और इससे इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ की शेयरिंग होती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, नॉलेज एंड स्किल्स बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है वर्क की। ये सब है आईपीआर के पर्पज। तीसरा हमारे पास पॉइंट है वो है आईपीआर के टाइप्स। आईपीआर के टाइप्स में हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं, जिनमें से मेनली मैं आज जिनके बारे में बताने वाली हूँ वो है, एक तो पहला है फैमिली, दूसरा है फ्रेंड्स, तीसरा है रोमांटिक और चौथा है इंटर प्रोफेशनल। सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली। फैमिली जो पॉइंट है वो एक नॉन वॉलेंट्री टाइप है आईपीआर का, जिसके अंदर ये जो पॉइंट है वो हमारी इन्फेंसी से चलता है। ये जो बॉन्ड है वो हमारी इन्फेंसी से चलता है। इसके अंदर हमें केयर, प्रोटेक्शन, लव, नॉलेज सब कुछ मिलता है, तो ये भी एक प्रकार का आईपीआर का टाइप है। दूसरा हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो होते हैं वो वॉलेंट्री बेसिस पर हम बनाते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कभी भी बना सकते हैं। अनकंडीशनल होते हैं और किसी भी सिचुएशन या कंडीशन को हमें देखना नहीं पड़ता फ्रेंड्स बनाते समय। या फिर ये बोल सकते हैं हम कि फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है, अगर मान लो दो गुड फ्रेंड्स हैं तो वो एक फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। वो अपने इमोशंस और सोशली और अटैच रहते हैं एक दूसरे से और कम्युनिकेट करते हैं आपस में, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ की शेयरिंग करते हैं, तो वो भी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये आता है आईपीआर के सेकेंड टाइप में। तीसरा जो टाइप आता है आईपीआर का वो है रोमांटिक। रोमांटिक जैसे कपल्स के बारे में हम बात करें, जैसे हस्बैंड वाइफ की बात करें, तो उनके बीच में ये एक इमोशनली अटैचमेंट होता है, एक क्या बोलते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करने का अटैचमेंट होता है, एक दूसरे के साथ स्टैंड करना हर चीज़ में और एक दूसरे के नॉलेज को शेयर करना, आइडियाज़ शेयर करना, एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स को रखना, ये सब आता है रोमांटिक के अंदर, जिसके अंदर भी आईपीआर का बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और चौथा जो पॉइंट आता है वो है इंटर प्रोफेशनल। इंटर मतलब दो के बीच में। दो के बीच में हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर मान लो हम हमारी वर्किंग जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर मान लो हमारे जो बॉस है या हमारे जो कोवर्कर्स है उनके साथ हमारा बॉन्ड कैसा है, या मान लो हम हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो जो नर्सिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है या कोवर्कर्स जितने भी हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, उनके साथ हमारा आईपीआर कैसा है, ये भी आईपीआर का एक टाइप है जिसको हम पढ़ते हैं इंटर प्रोफेशनल। ये हमारे वर्किंग टाइप में आता है। चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है आईपीआर के बैरियर्स। बैरियर्स के अंदर हम पढ़ सकते हैं, बैरियर्स के अंदर हम पढ़ेंगे आईपीआर के, कि अगर मान लो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, लो सेल्फ एस्टीम है, तो आपका आईपीआर का बॉन्ड है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। या फिर हम बोलेंगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे आप अच्छे से किसी से, या आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, या आपका जेंडर प्रॉब्लम है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कंडीशन में हैं, तो ये सब क्या है आईपीआर के बैरियर्स हैं। और पांचवा जो पॉइंट हम पढ़ते हैं वो है आईपीआर के फेज। तो फेज के अंदर हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे प्री ओरिएंटेशन फेज, दूसरा हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन फेज, तीसरा आएगा वर्किंग फेज और चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे टर्मिनेशन फेज। प्री ओरिएंटेशन फेज नाम से ही पता लगता है, प्री मतलब पहले और ओरिएंटेशन मतलब आप किसी से मिलने जा रहे हो या किसी से बातचीत करने जा रहे हो, तो उससे पहले का जो फेज़ है उसे प्री ओरिएंटेशन फेज बोलेंगे। इसके अंदर जैसे मान लो एक नर्स है, वो क्लाइंट या पेशेंट से मिलने से पहले
उसके बारे में जो उसकी हिस्ट्री है उसका पता करना, उसको क्या डिजीज प्रॉब्लम है उसके बारे में पता करना, उसके बाद में उसकी जो रिलेटिव्स हैं उसके साथ उनसे बातचीत करना कि उसको क्या प्रॉब्लम थी, कोई हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, कोई नर्सिंग हिस्ट्री, इन सब के बारे में जानकारी लेना, कि कोई पहले कोई डिजीज़ है तो उसके बारे में जानकारी लेना, जिससे कि उसको नर्स को हेल्प मिलती है। दूसरा आएगा ओरिएंटेशन फेज। ओरिएंटेशन फेज के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो प्रॉब्लम है पेशेंट को, उसको अपने को डिफाइन करना है, उसको अपने को पता करना है। तो हम पेशेंट से जब मिलने जाएंगे, ठीक है, ये ड्यूरिंग मीट है, पेशेंट से जब हम मिलने जाते हैं तब ये फेज स्टार्ट होती है। इसके अंदर आप पेशेंट से बातचीत करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे और उसको कंफर्ट फील करवाएंगे, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी फीलिंग्स शेयर करवाएंगे, जिससे कि आपको उसकी प्रॉब्लम्स को जानने में हेल्प मिले और आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, उसको क्या केयर प्रोवाइड करनी है उसके बारे में आप समझ सके। तीसरा जो आता है वो है वर्किंग फेज। वर्किंग फेज के अंदर जो आपने ओरिएंटेशन फेज के अंदर डिसाइड किया है, जो आपने ओरिएंटेशन फेज के अंदर आपने अंडरस्टैंड किया है कि उसको क्या डिजीज़ है, उसको क्या केयर देनी चाहिए, तो उसको आपको अप्लाई करना है वर्किंग फेज के अंदर। चौथा जो आता है वो है टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो फेज होती है, इसमें पेशेंट की डिस्चार्ज का टाइम होता है, कि इसमें पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जो गोल्स होते हैं वो अचीव हो जाते हैं और उनको इवेल्युएट किया जाता है कि आप कितने गोल तक पहुंच पाए, पेशेंट कितना ठीक हो पाया, पेशेंट कैसा फील कर रहा है, ये सब आएगा टर्मिनेशन फेज के अंदर। उसके बाद में हम बात करेंगे कि IPR, गुड IPR के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो गुड IPR के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें हम मेनली दो तीन पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहला है ऑनेस्टी। अगर आप पेशेंट के साथ अगर बात कर रहे हैं, ऑनेस्टी रखेंगे, या दूसरा पॉइंट हम बोलेंगे कि प्राइवेसी रखना, यानी कि पेशेंट अगर आपको अपनी कोई बात बता रहा है तो उसको प्राइवेसी में रखना, हर किसी के साथ शेयर ना करना, अपने कलीग्स के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और तीसरा जो आएगा वो आएगा अफेक्टिवनेस। और ये जो चीज़ें हैं वो क्या IPR को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो IPR के लिए आपके पास ऑनेस्टी होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, अफेक्टिवनेस होनी चाहिए और डायनेमिक होना चाहिए। ये सब चीज़ें IPR के लिए ज़रूरी है, उसके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। थैंक यू।